अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आया हूँ। मैंने कहा तो आपको शॉर्ट सा विज़िट करा देते हैं ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी का। शाम का टाइम है, इस वजह से यूनिवर्सिटी में मुझे कोई ख़ास स्टूडेंट नहीं मिले और कोई ऐसा बच्चा भी नहीं मिला जिसने कहा अब्रार भाई आपकी वीडियोस देखता हूँ। ब्रेडफोर्ड की ना एक वाइब थोड़ी सी पाकिस्तानी और देसी टाइप की आती है और बड़ी अपनाइत से फील हो रही है मुझे यहाँ पर। मतलब कभी ब्रेडफोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हूँ लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मैंने नहीं देसी देखे जितने मुझे आज नज़र आ रहे हैं। शायद मैं दूसरे एरिया में आऊँगा लेकिन अभी मैं ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर से गुजर रहा हूँ तो हर जगह बस देसी देसी है। तो आपको बस थोड़ा सा मैं शॉर्ट विज़िट करा देता हूँ। तो मैं बेसिकली आया था, मेरा एक कज़न है उसका यहाँ एडमिशन हुआ है तो उसके इनरोलमेंट करने के लिए आए थे, लेकिन क्योंकि अभी शाम हो गई तो उन्होंने कहा इनरोलमेंट वाले चले गए हैं तो आप सुबह आ जाइएगा 9 से लेके शाम 5 बजे तक। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये कोई मेन एंट्रेंस है, इसके बाहर ये देख लें शाम का टाइम है, ये सामने कुछ दुकानें शुकानें बनी हुई हैं और ये ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ से हम अंदर जाएँगे तो देखते हैं, मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स अगर हमें मिल जाए। मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी तक यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो देसी ही नज़र आए हैं। सामने जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ये भी देसी हैं, लेकिन गोरों वाले देसी भी हैं जो ब्रिटिश बोर्न हैं, जो इंग्लिश ही बोलते हैं। ये एक बिल्डिंग है, इसका नाम लिखा हुआ रिचमंड, तो इसके अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं अब जाने देते हैं कि नहीं। वो सामने जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो भी यूनिवर्सिटी की हैं। ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर की बिल्डिंग्स हैं, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ शॉप्स भी हैं। ये जो रोड गुजर रही है ये यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ, बल्कि साथ भी नहीं मैं कहूँगा यूनिवर्सिटी के सामने वाली रोड है, क्योंकि ये साथ आपको यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सामने जिम है और ये रोड है। तो बैक साइड पे भी आप यूँ करके देख सकते हैं कुछ यूँ के नज़ारे हैं और ठंड है और मज़ेदार मौसम है और मुझे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस टाइम ब्रेडफोर्ड। Well, that's it for today. Thank you everyone for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफ़िज़।